की ये स्मृति ईरानी कौन है। ये स्मृति ईरानी का नाम हमेशा हम तभी क्यों सुनते हैं जब कोई इंसान अच्छा करने की कोशिश करता है। ये स्मृति ईरानी जी तब क्यों प्रकट नहीं होती देवी बनकर जब देश में किसी लड़की का रेप होता है। ये स्मृति ईरानी जी तब प्रकट क्यों नहीं होती जब सेंगर और चिन्मय आनंद जैसे लोग लड़कियों का रेप करते हैं। तब वो कहाँ जाती है, तब वो किसी क्या उनको धरती में समा जाती है वो, या वो क्या हो जाती है, कहाँ गुम हो जाती है वो, तभी हमेशा क्यों बाहर निकलती है। ये जो हमले हो रहे हैं ना जामिया पे, ये जो हमले हो रहे हैं जेएनयू पे, हम लोगों को उसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि आज वो जामिया में घुसे हैं, वो जेएनयू में घुसे, कल वो हमारे घरों में घुसेंगे। मैं यहाँ पर बिल्कुल वोकल लोगों बोल रही, बहुत से लोग हैं जो वोकल लोगों बोलते हैं, कल वो हमारे घरों में घुसेंगे, हमारे घरों के बाद वो और लोगों के घरों में घुसेंगे। अरे थोड़ा आप प्लीज ये समझने की कोशिश करिए, ये जो कल्चर है ये कल्चर खराब करने की कोशिश की गई है। सिर्फ एक आप हिंदू मुसलमान की एकता को आपने खराब करने की कोशिश की ही है, आपने डेमोक्रेसी की बैंड बजाने की कोशिश की है, आपने संविधान को खत्म करने की कोशिश की है, आपने गांधी के विचारों को खत्म करने की कोशिश की है, आपने सावरकर और गौडसे जैसे लोगों को गॉड बनाने की कोशिश की है। सर क्या अभी दीपिका तो स्मृति ईरानी का ट्वीट आता है और कहती है कि दीपिका उन लोगों के साथ संगी जो देश के शहीद की वर्षी पर खुशियाँ मनाते हैं, शहीदों पर खुशियाँ मनाते हैं, आप कैसे देखिए क्या बाकी जो लोग जहाँ दीपिका रहती है उनका जगह। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि ये स्मृति ईरानी कौन है। ये स्मृति ईरानी का नाम हमेशा हम तभी क्यों सुनते हैं जब कोई इंसान अच्छा करने की कोशिश करता है। ये स्मृति ईरानी जी तब क्यों प्रकट नहीं होती देवी बनकर जब देश में किसी लड़की का रेप होता है। ये स्मृति ईरानी जी तब प्रकट क्यों नहीं होती जब सेंगर और चिन्मय आनंद जैसे लोग लड़कियों का रेप करते हैं। तब वो कहाँ जाती है, तब वो किसी क्या उनको धरती में समा जाती है वो, या वो क्या हो जाती है, कहाँ गुम हो जाती है वो, तभी हमेशा क्यों बाहर निकलती है जब उनको राहुल गांधी को प्रेम करना होता है, उनको जब दीपिका चली गई जेएनयू में। अरे मैं ये वो बीजेपी की किसी एमएलए ने ऐसा बोला कि ये जो एक्ट्रेस है इनका काम डांस करने का है, इनको बोलिए बॉलीवुड में नाच करे और ये जेएनयू जैसे उस पर ना करे। तो मैं ये कहती हूँ मोदी जी का काम देश संभालने का है, वो सेलिब्रिटीज के यहाँ पर क्यों जाते हैं, उनको अपने घर पे डिनर के लिए क्यों बुलाते हैं, उनके साथ फोटोज क्यों खिंचवाते हैं। अपना दिमाग लगाइए देश को संभालने में, अपना दिमाग आप अपना इन चीजों में मत लगाइए। और दूसरी चीज जो ये बोल रही है स्मृति ईरानी जी, तभी जेएनयू में वो वहाँ जाके ये बोल रही है कि वो चली गई दीपिका वहाँ पर, तो वो ऐसे लोगों के साथ करी है जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं और जिन्होंने ये दिवस मनाया वो दिवस मनाया उन्होंने शहीदों के लिए। तो मैं ये समझती हूँ, मैं ये समझती हूँ सबसे पहले कि जेएनयू एक ऐसी संस्था है जहाँ से शहीदों वाले विचार रखने वाले लोग निकलते हैं, जहाँ से देशभक्ति वाले लोग जिनके विचार होते हैं वो लोग निकलते हैं, असली देशभक्त जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज में होते हैं, जो बिना किसी डर के, जो जिनके अंदर इतनी कारेज होती है कि वो अपनी गवर्नमेंट से सवाल पूछ सके, जो अपनी जो सही को सही बोल सके, गलत को गलत बोल सके। और यही रीजन है कि जेएनयू और जामिया जैसे यूनिवर्सिटीज पे हमला कराया जा रहा है, क्योंकि वो हमारे विचारों पर हमला करना चाहते हैं, वो हमारी सोच पे हमला करना चाहते हैं, वो हमें दबाना चाहते हैं, वो हमारी नस को पकड़ना चाहते हैं। प्रॉब्लम सारी की सारी ये है। और अमित शाह मोदी जी जैसे लोग ऐसे हैं जो या तो ये सोचते हैं कि पैसों से खरीद लो, जैसे उन्होंने मीडिया खरीदा, जैसे उन्होंने पूरा इलेक्शन कमीशन खरीदा, जैसे उन्होंने बहुत सी चीजें खरीदी, और जब पैसे से कोई नहीं खरीदा जाता तो वो क्या करते हैं, वो पावर यूज करते हैं, तब वो लोगों को मरवाते हैं, जैसे जज लोया जी के साथ हुआ, जैसे गौरी लंकेश के साथ हुआ। और अब जब मास निकल के आ गया है, जब पूरे लोग निकल कर आ चुके हैं, ऑब्वियसली वो पूरे की एक आदमी को तो मार सकते हैं, पूरे की पूरे मास को नहीं मार सकते, तो वो पुलिस के हाथों पहले अमित शाह जी को होम मिनिस्टर बनाया जाता है, पुलिस उनके अंडर दी जाती है, उसके बाद पुलिस को उनके पीछे लगवाया जाता है। और मैं समझती हूँ कि चलिए पुलिस की नौकरी है, क्या करें, उनको करना है, लेकिन क्या कभी पुलिस ने भी ये सोचने की कोशिश की है कि उनके घर में भी बच्चे हैं, कभी उन्होंने ये सोचने की कोशिश करी है कि जब उनके बच्चे बड़े होकर किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे वो अपने बच्चों को कि हमने तुम्हारे जैसे बच्चों को ही डंडे मारे थे जब वो लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे या जब वो नमाज कर रहे थे।
या हमने तुम्हारे जैसे बच्चों के सरों पे डंडे पड़वाए थे जब कोई दूसरा उनके सर पे डंडा मार रहा था तो हम यहाँ ऐसे हाथ में हाथ खड़े रह के देख रहे थे उनको। तो मैं तो सीरियसली ये समझती हूँ कि अभी ये जो प्रोटेस्ट है हमें सिर्फ इसको TNRC तक नहीं रखना चाहिए, अब ऐसा सा टाइम आ गया है कि हमें जो ये तानाशाह बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस देश को, अब हमें इनको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। हमें इस ये जो गंदी सोच इन्होंने लोगों के अंदर भरने की कोशिश की है, जो जहर इन्होंने भरने की कोशिश की है, हमें उसको दूर करना है। अगर आप, मैं जब घर पे बैठती हूँ, मैं वैसे तो कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं देखती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ ऑनलाइन न्यूज़ चैनल में ही विश्वास रखती हूँ, मैं उन लोगों को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। बट बाई चांस अगर घर पे तुम बैठे हो, तुम खाना खा रहे हो और न्यूज़ चैनल लग जाता है, मेरा खून खौल जाता है। वो किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं, जिस प्रोटेस्ट से मैं अभी गई हूँ और मैंने देखा वो प्रोटेस्ट बिल्कुल पीसफुल था। मैं जब घर जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि वो उसी प्रोटेस्ट को बोल रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट तो दंगों से भरा हुआ है, इस प्रोटेस्ट में जो लोग हैं वो गलत कर रहे हैं, वो लोगों को वो पुलिस को मार रहे हैं, वो ये तोड़ रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो गाड़ियां जला रहे हैं। हम ग्राउंड पर है, हमें मालूम है कि प्रोटेस्ट में होता क्या है, हमको मालूम है, हम उसी प्रोटेस्ट से होकर जाते हैं। बट अगर आज इस देश की मीडिया सही होती ना, तो मोदी जी दोबारा पावर में नहीं आते, मैं इस बात की आपको गारंटी देती हूँ। चलिए, थैंक यू।